Vandanam, Satyakal, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Assalamu Alaikum, hello and welcome, Kim Cho. Alright, so ladies and gentlemen, girls and boys, and the host of this evening presenting Else Events and MJ Manish Joshi Band. So, they say that जिस तरह जीजा को साली पसंद होती है उसी तरह हर महफिल को ताली पसंद होती है क्या बात है क्या बात है मैं आपको एक बात दिल से बताना चाह रहा हूं पहले सिर्फ यहां पर मुझे वो लोग शोर मचाएंगे वो हस्बैंड जरा शोर मचा के दिखाएंगे जो मानते हैं कि उनकी वाइफ खूबसूरत है ओके 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 और अब वो वाइफ जरा शोर मचा के दिखाएंगे जो चाहती है कि उनके हस्बैंड उन्हें रोज शॉपिंग कराने के लिए ले जाएं ऑलराइट ऑलराइट बिल्कुल ये ऑडियंस यहां पर है तो सीधा ही प्यार कितने लोग यहां पर हैं जिन्होंने प्यार किया वो जरा चिल्ला के दिखाइएगा और उनमें से कितने लोग ऐसे जिन्होंने अपनी बीवी से प्यार किया वो चिल्ला के दिखाइए चलिए सीधा ही आते हैं शेर और शायरी पर तो कहते हैं कि ये किसने दी दस्तक दिल पर कौन आया वाह-वाह तो कीजिए कि ये किसने दी दस्तक दिल पर कौन आया तुम तो अंदर को ये बाहर कौन आया और अगली जो शायरी मैं आप सभी के सामने कहना चाहूंगा और यहां पर जवान लड़के लड़कियों के लिए है जो बुजुर्ग हैं वो उसे सुन तो सकते हैं लेकिन अमल ना करें तो यही कहना चाहूंगा कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना वादा तो कीजिए कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना और हार जब उनसे मिलाना तो दबा भी देना कहते हैं कि वो खूबसूरत हैं इस कदर मैं क्या करूं वो खूबसूरत हैं इस कदर मैं क्या करूं सारे जमाने के उन पर है नजर मैं क्या करूं वो खूबसूरत है इस कदर मैं क्या करूं सारे जमाने के उन पर है नजर मैं क्या करूं जी चाहता है आग लगा दूं इस जहां को जी चाहता है आग लगा दूं इस जहां को लेकिन इस जहां में एक घर उनका भी है मैं क्या करूं तो कि हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे बाजार में खो जाते हैं हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे बाजार में खो जाते हैं मैंने मैंने दुनिया के चलने का इंतजाम कर दिया मैंने मैंने दुनिया के जलने का इंतजाम कर दिया मुझे इश्क है तुझसे सरेआम कर दिया कि तुझे मोहब्बत करना नहीं आता तुझे मोहब्बत करना नहीं आता मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता तुझे मोहब्बत करना नहीं आता मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं एक तुझे नहीं आता एक मुझे नहीं आता और दोस्तों कितने लोग चाहते हैं कि आज के जो हमारे सेलिब्रिटी परफॉर्मर हैं एमजे मनीष जोशी को यहां पर बुलाया जाए वो जरा चिल्ला के दिखाएंगे तो वैसे तो ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है लेकिन रेट्रो हो या फिर रोमांटिक बॉलीवुड हो या फिर गरबा हर गाने में इनकी दिलकश आवाज का जादू सर चढ़ करके बोलता है और मैं हमेशा यही कहता हूं कि जिनकी दिलकश आवाज हर महफिल में ला देती है मदहोशी जिनकी दिलकश आवाज हर महफिल में ला देती है मदहोशी लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सिवेंट प्रेजेंट प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सेलिब्रिटी परफॉर्मर ऑफ द इवनिंग एमजे मनीष जोशी तारियां यहां पर बजाएगा दीपेंद्र जी ने मुझे बताया था उन्हें हम एप्पल आईफोन 7s गिफ्ट करने वाले हैं हां मैं ही ले लूं सर आप आपको देख के मैं ये बोलना चाहूंगा कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते अजी बात कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते
आम तब तक अच्छे नहीं होते जब तक पिलपिले नहीं होते। तो दोस्तों मुझे छोड़कर वो खुश है तो शिकायत कैसी, अब मैं उन्हें खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसी। और अब आप सभी के बीच में, और सर के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, और जो विष पी के भी अमृत जैसा चेहरा बनाए उसे पति देव कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और अब जैसे कि आप सभी जानते ही हैं तो सर ने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात यहाँ पे बताई थी कि वाइफ को खुश करने के लिए बाजू वाली को देखना जरूरी होता है। उसी बात पर मुझे, क्योंकि जिगर जी ने बोला है कि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें बतानी जरूरी है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे समझदार हस्बैंड आप जानते हैं कौन है? सबसे समझदार हस्बैंड ये वो है जो जब भी घर में घुसेंगे मुंह लटका के घुसेंगे ताकि वाइफ को लगे कि कंट्रोल में है। और सबसे समझदार वाइफ कौन? सबसे समझदार वाइफ वो है, यस सर ध्यान से सुनिएगा, जो अपने हस्बैंड का इतना खर्चा करवा ले वो बाजू वाले को देखने का, उसको अफोर्ड करने की हिम्मत ना करता है। Alright, दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इतनी अच्छी ऑडियंस है, तो दिल से एक चीज बोलूंगा, अगर आपके दिलों तक पहुंचे तो तालियों का सैलाब होना चाहिए। तो कहते हैं कि फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो दोस्तों इसी इश्क प्यार और मोहब्बत को बढ़ाते हैं आगे, और अगली जो ब्यूटीफुल सिंगर हमारे बीच में आ रही है, उनकी आवाज में भी नशा है और उनकी आंखों में भी नशा है। बिना कुछ कहे, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली वेरी मेलोडियस दिव्या जोशी। और कितने लोगों को इस चीज का प्राउड है कि वो हिंदुस्तानी है, वो जरा चिल्ला करो। तो एक चीज दिल से कहना चाहूंगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज दिल से कहना चाहूंगा कि मैं तूफानों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है। अजी वाहवा तो कीजिए कि मैं तूफानों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है, मैं मंदिर मैं मस्जिद क्यों भटकूं जब मेरे अंदर ही भगवान है। और एक राहत इंदौरी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर हुए, उनकी बात आज मैं कहना चाहूंगा। आपको भी लगे कि बात सच्ची है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरह की बात आपसे करनी है। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। ये हिंदू वो मुस्लिम, मैं सिख तुम ईसाई, ये हिंदू वो मुस्लिम, मैं सिख तुम ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं प्रदीप मेहता जी, उन्होंने कहा कि गिरीश भाई किसी को, पहले तो आज उनका हैप्पी बर्थडे, इस चीज के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो उनके बर्थडे के ओकेजन पर उन्होंने मेरे पास आया और कहते गिरीश भाई एक सरप्राइज हम देना चाहते हैं आज के शो में। मैंने कहा क्या? तो कहते गिरीश भाई जो आप शायरी कर रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, अब जो भी जब आप शायरी करेंगे, जो भी उसमें वाह सबसे तेज करेंगे, उनको हमारे प्रदीप मेहता जी की तरफ से एप्पल आईफोन 10 दिखाया जाएगा सिर्फ। तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं, आपको पता है कि हिंदुस्तान में अब तक ऐसे कौन रहे हैं जो हमेशा सत्यवादी रहे? किसी को नाम पता है? आप तो नहीं हो सर, आपको मैंने पहचान लिया है। ये जो बिल्कुल यहाँ पे कौन सी
तोते के कलर पैरेट कलर की शर्ट में बैठे हुए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। मैं आपको सच बोलूं, शो शुरू होने से पहले ये लेडीज वॉशरूम के बाहर खड़े थे एक लेडी के साथ, और मैंने सुना वो लेडी इनको बोल रही थी कि आप जामुन लेके आइए, मैं मुरब्बा बना दूंगी। अजी वाह तो कीजिए कि आप जामुन लेके आइए, मैं मुरब्बा बना दूंगी, एसपी में मेरे साथ थोड़ा टाइम तो बिताइए, मैं आपको अब्बा बना दूंगी। ऑलराइट दोस्तों बढ़ते हैं आगे, लेकिन हाँ आप तो सत्यवादी नहीं थे, कौन है जो सत्यवादी थे? हरीश चंद्र जी। सर आपको पता वो क्यों सत्यवादी थे? क्योंकि ने शादी हो रखी थी, वो इसलिए सत्यवादी थे क्योंकि उनकी वाइफ ने कभी उनसे पूछा नहीं कैसी लग रही हूं मैं। तो सिर्फ एक लाइन की शायरी है, थोड़ा सा उसी माहौल में आएंगे हम। कहते हैं कि यू बन सवर के छत पे ना जाया करो, यू बन सवर के छत पे ना जाया करो, लोग बेवजह ईद की तारीख बदल देंगे। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उसे जुलूस कहते हैं, लेकिन जब रोटरी क्लब इकट्ठा होता है तो उसे महफिल कहते हैं। और साथ में सौम्या है। आज से मैंने 10 साल पहले इनको देखा था, ये तब भी वैसी नजर आती हैं जो आज नजर आ रही है। तो सारी लेडीज जरा गौर से देखें, इनकी कभी एज नहीं बढ़ती है, लेकिन आप 10 साल से उन्हें क्यों देख रहे हैं? नो कमेंट्स। मजा आ रहा है तो एक चीज फिर वाह हो जाए। तो कहते हैं ये जो मेरी शायरी है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जवान हैं, जो बुजुर्ग हैं वो इसे सुन तो सकते हैं लेकिन अमल ना करें। तो कहते हैं कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, और हार जब उनसे मिलाना तो थोड़ा तबाह भी देना। जी हाँ, हमारे राहत इंदौरी जी हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट शायर है, और उनका ही एक और शायर है जिससे वो हमेशा शेर से शुरुआत करते हैं और कहते हैं वह आप राहत इंदौरी को सुनते हैं इससे अच्छी ऑडियंस मुझे जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगी। उनका ही एक शेर है और वो कहते हैं कि ये किसने दी दस्तक दिल पर कौन है, ये किसने दी दस्तक दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं ये बाहर कौन है। और एक चीज, क्योंकि अपना रोटरी का शो है तो एक चीज मैं दिल से बोलना चाहूंगा, मुझे पता हंसी मजाक करना, अगर आपको भी बात लगे ये सच्ची है तो तालियों का सैलाब चाहूंगा। कहते हैं कि मुसलमान ने रोजा रखा हिंदू ने उपवास रखा, मुसलमान ने रोजा रखा हिंदू ने उपवास रखा, लेकिन जन्नत उसी को मिली जिसने मां बाप को पास रखा।